वेलकम फ्रेंड, आज हम एक ऐसे संत के विषय में बात करेंगे जिनके जीवन दर्शन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जिनका नाम था संत भीमा भोई। लेकिन संत भीमा भोई के विषय में बात करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, संत भीमा भोई के जीवन के विषय में पढ़कर इनके जीवन में हर एक जो घटना घटा वह इतना दुखदायी था जो किसी के भी आंखों से आंसू निकल पड़ेगा। मैं यह वीडियो बनाने से पहले लगभग 10 मिनट तक बैठकर पहले रोया, लेकिन कमाल की बात है, इतने कष्ट झेलने के बाद भी भीमा भोई के इतने स्वच्छ विचार, यह अद्वितीय है। दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। ये ट्राइबल जनजाति से बिलोंग करते थे और जिसके बाद उनके माता ने दूसरी शादी कर ली थी। संत भीमा भोई एक प्रकार से अनाथ हो जाते हैं। यदि उनके शब्दों में उनको परिभाषित किया जाए तो संत भीमा भोई कहते हैं, मेरा जीवन दुख में रहने दो, उन्हें दुखों से मुक्ति प्राप्त करने दो। तो दोस्तों, आज के यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे तो मैं हमेशा कहता नहीं हूँ, लेकिन भारत के ऐसे विभूतियों की जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा का भूमि ज्ञानी विज्ञानियों का भूमि रहा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इतिहासकारों ने और कुछ .org वालों ने, जो भारत के हर महान व्यक्ति के बारे में अपने PDF तैयार रखते हैं और उनके विषय में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसके बाद उन महान विभूतियों की दायरा सीमित हो जाती है। दुर्भाग्य बस संत भीमा भोई के साथ भी यही हुआ। मित्रों, संत भीमा भोई उड़ीसा के महान कवि एवं दार्शनिकों में से एक है। उड़ीसा के भोई समाज के आदर्श है। इनका दिया हुआ दर्शन एक शोध का विषय है, लेकिन आप हैरान हो जाओगे यह सुनकर कि दोस्तों, ये कभी स्कूल नहीं गए। संत भीमा भोई का जन्म सन 1850 में हुआ और सन 1895 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भारत में उस वक्त भक्ति आंदोलन चल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य था धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करना, जो सब मिलकर देश के क्रांति में अपना सहयोग दे। ऐसे तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ धार्मिक कुरीतियां मौजूद है, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ धर्मों में सुधार का गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए भक्ति आंदोलन, जो सभी का आंदोलन था, वह सिर्फ सनातनी आंदोलन बनकर रह गया। बहुत सारे कुरीतियों को हटाया गया, क्योंकि भीमा भोई एक जनजातीय समाज से आते थे, वहाँ बलि प्रथा चलता था। लेकिन एक सच्चे संत को दूसरे का कष्ट कैसे बर्दाश्त हो सकता है, इसलिए भीमा भोई बलि प्रथा के खिलाफ आवाज भी बुलंद किया और निर्गुण भक्ति की ओर प्रस्थान किए, जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति सनातन धर्म में हमेशा से रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।